किसी भी राष्ट्र का उत्थान वहां निवासरत लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास से ही संभव है। जब लोगों का जीवन सुगम होगा तभी देश आर्थिक रूप से प्रगति के पथ पर बढ़ेगा। एक लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना समाज के सर्वांगीण विकास पर आधारित होती है। भारतीय समाज का केंद्र ग्रामीण है, जिनका जीवन कृषि पर आधारित है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि और गैर कृषि उद्यम दोनों शामिल हैं। भारतीय ग्रामीण के आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। सशक्त परिवार की अवधारणा सशक्त महिला पर केंद्रित है। पारंपरिक रूप से घरेलू कार्यों के साथ ग्रामीण महिलाएं खेती के कार्यों के अलावा स्वयं का रोजगार करके सफलता की इबारत लिख रही हैं। ये स्वावलंबी महिलाएं अपने खुद के परिवार में आर्थिक सहयोग भी कर रही हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं ने ग्रामीणों को संबल दिया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण महिलाओं के जीवन में स्वरोजगार का साधन बन गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत समूह से जुड़ी हुई महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव काफी देखने को मिल रहा है। ग्रामीण स्तर के जो समूह से जुड़ी हुई महिलाएं, जब से उनको पैसे मिल रहे हैं, प्रशिक्षण मिल रहे हैं और वो विभिन्न प्रकार के नए नए आयामों से जुड़ रही हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आया है। उनके बच्चे अच्छी जगहों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पहले जो उनके पति बाहर कर रहे थे काम, वो महिलाएं अपने यहाँ समूह से पैसे लेकर उनको रोजगार से जोड़ रही हैं, अपने पतियों के साथ रहना शुरू कर दी हैं। जो लोग पहले शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ रही थी, लोग काम करने के लिए बाहर जाते थे, अब वो अपने गाँव को वापस आ रहे हैं और गाँव पर ही रह के नए नए रोजगार कर रहे हैं। समूह से जुड़कर महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले ग्राम पंचायत चुनाव में भी कई महिलाएं हमारी जनप्रतिनिधि के रूप में, ग्राम प्रधान, बीडीसी व क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में चुनी गई। ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता और खुशहाली ही गांव की तस्वीर बदल सकती है। इसलिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के द्वारा सरकार ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को नवाचारों के माध्यम से मजबूत कर रही है। जनपद वाराणसी में भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक विकास हो रहा है। ग्रामीण महिलाएं अपने नवोन्मेषी कार्यों से सफलता का परचम लहरा रही हैं। समूह की महिलाओं को आजीविका से जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसमें उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान में हम लोग पूर्ण रूप से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें समूह की दीदियों को हम लोग आपको CCL करवा रहे हैं। CCL के माध्यम से उनको आजीविका से भी जोड़ा जा रहा है। जैसे इसमें अभी हम लोगों ने अपने विकास खंडों में, आपके पिंडा विकास खंड में फिनाइल्स हो गया, इसके अलावा आपका चप्पल बनाने का कार्य भी हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा आप अभी हार्पिक के भी हम लोगों ने पैसे फंडिंग के CCL के द्वारा करवा दिया गया है। आपको हार्पिक भी कुछ समय बाद मार्केट में आ जाएगा। इसके अलावा भी अभी हम लोग कई चीज़ों पर उनकी आजीविका समर्थन को लेकर बैंकों से लाइजनिंग करके हम लोग उनको आजीविका से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसमें अभी हम लोगों ने PMEGP के तहत गाय के गोबर से पेंट बनाने का कार्य भी ऑनगोइंग प्रोसेस पे है। जैसे कि अभी विकासखंड सेवापुरी में एक स्वयं सहायता समूह की महिला हेमा सिंह है, उनका हम लोगों ने PMEGP के अंतर्गत 25 लाख का लोन भी सेंक्शन करा दिया गया है, जिसका करीब करीब प्लांट भी आ चुका है और उसका प्रोसेस कंप्लीट होने जा रहा है और वो जल्द से जल्द प्रोडक्शन भी उसका चालू हो जाएगा। जनपद वाराणसी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन विकास भवन परिसर स्थित जिला मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा किया जा रहा है। मिशन के इस कार्यालय का उद्देश्य है कि जनपद के सभी ब्लॉक की ग्रामीण महिलाओं का स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठन के द्वारा उनकी आजीविका का साधन उपलब्ध कराया जाए। विभिन्न SSG को बैंक ऋण भी उपलब्ध कराने में ये मिशन प्रबंधन इकाई अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं जहां पर केवल अपने पतियों के साथ परंपरागत कार्यों में जहां पे हाथ बटाती थी, अब वो समूह से जुड़ने के बाद उनकी
इच्छाओं में वृद्धि हुई है, उनकी जानकारियाँ बढ़ी हुई हैं। अब वो विभिन्न प्रकार के नए नए क्रियाकलाप जैसे बैंकिंग उत्पादों को गांव-गांव तक डोर स्टेप बैंकिंग को बढ़ावा दे रही हैं, इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज में जाके आपका प्रेरणा कैफे खोल रही हैं। तमाम दीदियाँ हमारी ऐसी हैं जो विद्युत बिल कनेक्शन का कार्य कर रही हैं। कई ऐसी दीदियाँ हमारी ऐसी हैं जो निमास्त्र ब्रह्मास्त्र और जो जैविक कृषि के हैं उन पर कार्य कर रही हैं। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से जुड़कर वो नए नए परंपरागत साथ साथ कार्यों के साथ साथ नए नए तरीके के विभिन्न प्रकार के आजीविका पर कार्यों को भी अंजाम दे रही हैं और अपनी आय में वृद्धि कर रही हैं। परिवार की आय को बढ़ाते हुए अपने पतियों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए अपने परिवार को और अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही हैं। जनपद वाराणसी के पिंडरा विकास खंड की कई ग्रामीण महिलाएं अपने पारंपरिक कार्यों के अलावा कुछ नवाचारों के माध्यम से स्वावलंबी हो रही हैं। अपने स्वयं सहायता समूह से वित्तीय सहायता लेकर समूह की सदस्य ग्रामीण महिलाएं नवोन्मेषी से बाजार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा रही हैं। हमारे जनपद वाराणसी में 10,500 स्वयं सहायता समूह बने हैं जिसमें गांव में महिलाएं अपने कामकाज को छोड़कर अपने छोटे छोटे लघु उद्योग भी लगा रही हैं जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो रही है और आर्थिक समृद्धि की तरफ भी वो अग्रसर हो रही हैं जिससे वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करा पा रही हैं और अच्छे से मतलब उनका रहन सहन में भी सुधार हो रहा है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आज कृषि के पारंपरिक के साथ साथ आज अपने आजीविका संवर्धन में भी कार्य कर रही हैं, काफ़ी लाइवलीहुड की एक्टिविटीज़ जोड़कर जिससे अपनी आजीविका को बढ़ा रही हैं। मिशन के किए जा रहे प्रयासों को देखने जानने के लिए हम चलते हैं पिंडरा ब्लॉक के ग्राम चकरमा, जहां हरिओम महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाएं चकरमा गांव में हवाई चप्पल बनाने का कार्य कर रही हैं। लघु उद्यम स्थापित कर चकरमा गांव की ग्रामीण महिला सरिता दूसरी अन्य ग्रामीण महिलाओं को गांव में ही रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। हमारे समूह का नाम निर्मला हरिओम महिला स्वयं सहायता समूह है और मैं उसमें की सदस्य हूँ। मैं अपने यहाँ चप्पल का कारोबार कर रही हूँ। सीट वगैरह खरीदते हैं और हम लोग चप्पल अपने यहाँ कटिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, उसे तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद मार्केट में जो है 60-70 के बीच में हम लोग सप्लाई करते हैं। जो कुछ भी आय आता है उसका बेनिफिट हम लोग आपस में उसे बांटते हैं। और भी समूह की महिलाएं जो हैं अपना अपना खुद का रोजगार की हैं, कोई फूल का खेती किया है तो कोई दुकान डाला है, सब लोग समूह से ऋण लिए हैं तो अपना रोजगार अपने हिसाब से वो बढ़ा रही हैं। प्रगतिशील ग्रामीण महिला सरिता कुछ नया करने की इच्छा लेकर आगे बढ़ी तो समूह की अन्य महिलाओं का उन्हें साथ मिला और धीरे धीरे हवाई चप्पल बनाने का काम शुरू हुआ। आज इस समूह की महिलाएं मिलकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कवायद में जुटी हैं। हम चप्पल का फिनिशिंग करते हैं और जो चप्पल जाता है मार्केट में उसका पैसा आता है तो उसको आपस में हम लोग बांट लेते हैं महिलाएं। हरिओम महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाएं नियमित बैठक कर भविष्य की योजनाओं पर काम करती हैं, आपस में ऋण का आदान प्रदान करती हैं। नियमित बैठक का असर महिलाओं की आर्थिक प्रगति पर दिखलाई पड़ता है। समूह को पैसा उठा के सब्जी लिया के अपन बेची ला, जन बचत रहला तो अपन रखी ला अपने समूह बदे अपने परिवार बदे। चकरमा गांव में ग्रामीण महिलाओं के आजीविका कार्य को देखने के बाद चलते हैं पिंडरा ब्लॉक के दूसरे गांव छताओं,
जहां संतोषी माँ आजीविका महिला ग्राम संगठन की सदस्य महिलाओं द्वारा फिनाइल बनाने का कार्य किया जा रहा है। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नहीं रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल ना। यदि मन में विकास करने की इच्छा हो तो सफलता का मार्ग प्रशस्त हो ही जाता है। इसी का सशक्त उदाहरण है छताओं ग्राम की रहने वाली प्रिया मौर्य, जिन्होंने आजीविका मिशन से प्रेरणा लेकर स्वयं समूह का गठन कर बाजार में अपना प्रोडक्ट फिनाइल उतार दिया। जब से हम लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं, हम जितनी भी महिलाएं जुड़े हैं इसमें, जितनी भी हमारे गांव में गरीब महिलाएं हैं सारे लोग जुड़ गए हैं, और करीब करीब हमारे यहाँ 13-14 समूह चल रहे हैं। तो हर एक समूह में दो ढाई लाख का फंड आया हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी काम मतलब कि किसी समूह में हो नहीं रहा था। तो एक दिन अचानक से दिमाग में ये चीज़ आया कि क्यों ना वो हम ही स्टार्ट करें। तो ये शुरुआत हमने अपने समूह से किया, और मतलब कि पहले हमने अपने समूह में चर्चा किया, फिर उसके बाद एक लेटर बनाया, और उस लेटर को हमने फिर अपने BMM से बात किया कि सर हमें ये काम करना है, हमें हार्पिक और फिनाइल बनाने का काम करना है, जिससे कि घरों तक भी पहुंचेगा और महिलाओं को 2 पैसे का रोज़गार भी मिल जाएगा। तो उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि एक लेटर बना के लाइए और उस लेटर को BDO साहब तक लेके जाइए। फिर यहाँ से हम लेटर बनाए सभी महिलाओं के बीच में, और वो हम BDO साहब तक लेके गए। फिर BDO साहब से हमने बोला कि सर हमें ये काम करना है, हमें आपका सपोर्ट चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए। तो उन्होंने अपनी सहमति जताई और उन्होंने हमसे बोला कि ठीक है, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करिए। तो फिर वो काम, फिर वहाँ से वो लेटर जिले स्तर तक गया उनके माध्यम से, और वहीं जिले स्तर से ही हमारा काम स्टार्ट हो गया। जो भी कार्यवाही होता गया वो सब हुआ, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई, और फिर उन लोगों ने एक दूसरे के संपर्क से हमारा माल, जो हमारा कच्चा माल है वो कहाँ से मिलेगा, तो उन्होंने मतलब बात किया, तो ये पता चला कि ये माल गुजरात से मिलेगा, UP बड़ोदरा गुजरात। तो हमारा कच्चा माल जो आता है वहाँ से, और इसमें हमारा RO का पानी का उपयोग होता है, खारा पानी का उपयोग नहीं होता, और हम लोग माल लाते हैं और उसके बाद अपना मिक्स करके तैयार करके पैकिंग करके, और जो भी हम 10 महिलाएं हैं उसमें से कोई हम लोग कच्चा मतलब कोई पैकिंग करता है, कोई उसका स्टिकर लगाता है, ऐसे करके हमारा माल तैयार हो जाता है। समूह की अन्य ग्रामीण महिलाएं मिलकर फिनाइल बनाने का काम करती हैं, जिसकी आपूर्ति सरकारी संस्थाओं में करने के साथ साथ क्षेत्र के नजदीकी दुकानदारों को भी करती हैं। धीरे धीरे फिनाइल की बिक्री बढ़ रही है। हम लोग जो फिनाइल बनाते हैं 5 लीटर का, उसमें मेरे फिनाइल का नाम है प्रेरणा काशी, प्रेरणा फिनाइल, और हम लोग बनाकर अपना मार्केट में बेचते हैं, और आर्डर भी आता है ब्लॉक से और ज़िले से, वहाँ भी पहुँचाते हैं, और गांव में भी लोग मांगते हैं तो दे देते हैं। इसी से हम लोग अपना रोज़गार कर रहे हैं, और जो पैसा आता है हम लोग आपस में बांटते हैं। हमारे ग्राम संगठन का नाम संतोषी माँ ग्राम संगठन, हमें फिनाइल बना रहे हैं और मार्केट में जाता बिचाता, सब कोई अपना अपना पैसा बांट। मैं संत रविदास समूह की सदस्य हूँ, और मैं ग्राम से, मेरे ग्राम संगठन का नाम है संतोषी माँ आजीविका ग्राम संगठन, और मैं ग्राम की पद का कार्य करती। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आजीविका मिशन की संकल्पना से प्रेरित होकर प्रिया द्वारा की गई शुरुआत समूह की महिलाओं को आय का एक नया जरिया उपलब्ध करा दिया है। समूह की महिलाएं अपने लघु उद्यम को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, जिससे कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधर सके। हम लोग जब से समूह में जुड़े, हम लोग को रोजगार नहीं था, लेकिन अब हम लोग फिनाइल बना रहे हैं,
10 लोगों का जुट है और हम लोग एकजुट होकर बना रहे हैं। आपस में सहमति है और माल जा रहा है, जो आता है पैसा हम लोग आपस में मिलजुल कर बांट लेते हैं। इसी से हम लोगों के परिवार का खर्चा चलता है। हमारे पास 3 बेटियां हैं और इसी पैसे से हम लोगों का देख रेख सब कुछ कर लेते हैं। छताओं गांव की महिलाओं का जज्बा देखने जानने के पश्चात हम चलते हैं पिंडरा ब्लॉक के अन्य गांव तिलारी, जहां जय माता दी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बेकरी का कार्य करती हैं। जय माता दी स्वयं सहायता समूह की सोनी गुप्ता ने पारंपरिक कृषि संबंधित कार्यों के अलावा सामुदायिक आर्थिक विकास पर जोर दिया और समूह की सदस्य महिलाओं के साथ बेकरी के काम में जुट गई। सोनी गुप्ता ने साथ में परिवार के सदस्यों को भी जोड़ लिया। जय माता जी स्वयं सहायता समूह, मैं उसमें सदस्य हूँ। मैं बेकरी का काम करती हूँ और मेरे केक और पेस्ट्री बनाती हूँ और मार्केट में बेचती हूँ। बेकरी के काम में समूह की महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे आईं और अपने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने में लग गईं। समूह की महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सफलता से प्रेरित होकर स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ा रही हैं। मेरे समूह का नाम है जय माता जी और हम लोग बेकरी का कार्य करते हैं, जिसमें केक और पेस्ट्री बनाते हैं और इसको मार्केट में भी बेचते हैं। उससे जो भी इनकम होता है, हम सभी सदस्याएं जो बेकरी से जुड़ी हैं, हम लोग आपस में बांटते हैं। समूह से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं छोटे छोटे कार्यों के अलावा एक साथ लघु उद्यम स्थापित कर आत्मनिर्भर हो सफलता की गाथा लिख रही हैं। हम भी इस समूह के सदस्य हैं, जिससे हम इसमें काम करते हैं और केक पेस्ट्री बनाते हैं और सारे सदस्यों के साथ मिलके मतलब सेलिंग का काम करते हैं और जो इनकम आता है हम लोग बांट कर उसके बाद अपने घर पे मैं अपने जाकर जो भी रहता है काम के लिए पैसा राशन में हर चीज़ में हाथ बटाती हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को सरकार ग्रामीण परिवारों की समृद्धि में मील का पत्थर मान रही है। धीरे धीरे ग्रामीण महिलाओं के दर पे ये मिशन दस्तक देता दिखलाई पड़ रहा है। ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक प्रगति को आगे ले जाने में सहायक सिद्ध हो रहा ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।